कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एडुकेमी के इस प्लेटफॉर्म पे और मैं अविरल विश्वकर्मा आपके साथ जुड़ चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक की। जी हाँ, अहम टॉपिक अक्सर बहुत परेशान करता है। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, मेरे जो शेर शेरनियाँ हैं, वो परेशान रहते हैं कि सर ये समझ नहीं आ रहा, ये बिल्कुल याद नहीं होता, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो याद ही नहीं होते। तो आज मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल स्क्रीन पर आप सही देख पा रहे हैं, संधियों की आज हम बात करने वाले हैं। संधियों की बात करने वाले हैं, संधियों में भी उसकी जो बहुत ही परेशान करता है, समझ ही नहीं आता कभी, और कभी समझ में आया तो रूल्स याद नहीं होते। कौन कौन से रूल्स हैं, कितने रूल्स हैं, उसके आज एक छोटे पार्ट को आपको याद कराऊंगा। और इस वीडियो के बाद भरोसा इस बात का है कि ये पूरा रूल आपको रट जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। संधियों में अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं, जिसमें संधियों की बात करें तो स्वर संधि और व्यंजन संधि आपको अच्छी तरह से पता है। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं आज, स्वर संधि और सॉरी व्यंजन संधियों की बात करेंगे आज, विसर्ग संधि की बात धीरे धीरे करेंगे। ऐसे एक सीरीज जो शुरू हुई है हमारी ये एजुकेमी पर, यहाँ पे हम आपको धीरे धीरे चीज़ों को बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे, जहाँ तक बात करने वाले हैं, व्यंजन संधियों की और विसर्ग संधियों की भी, जो कुछ बहुत सारे बच्चों की परेशानी है विसर्ग संधियों को लेके, तो उनको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम व्यंजन संधियों की बात करने वाले हैं, स्वर की नहीं। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनको स्वर संधियाँ समझ में आती हैं, लेकिन व्यंजन की बड़ी परेशानी है, बहुत समस्याएं हैं। तो व्यंजन संधियों के अलग अलग नियम होते हैं, उन नियमों पर आज हम बात करेंगे। उनमें से एक नियम होता है, देखो अब आपको मैं किताबी भाषा का वो नियम पढ़ा रहा हूँ, बड़ा सा इतना लंबा सा नियम होता है कि जब वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प को किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या य र ल व ह से या किसी स्वर से मिलाया जाए तो वो प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। बहुत बार पढ़ा आपने, इतनी बार पढ़ाया गया, आज पढ़ते हैं नियम समझते हैं, समझ ही नहीं आता, अगले दिन फिर नियम ही भूल जाता है, फिर हम सोचते हैं कि क्या बोला था, पहले वर्ण को तीसरे में कि तीसरे को पहले में, समझ नहीं आता क्या करना है। तो हमने इन सारे नियमों को, लगभग 14-15 जो नियम हैं, इनको छोटे छोटे भागों में कोशिश की है कि आप तक कैसे ऐसे पहुंचाया जाए उस तरीके से कि आप ग्रैब कर ले चीज़ों को, और जैसे ही आपके सामने ऐसा कुछ नियम, इस नियम के संबंधित कुछ शब्द आए तो आपको तुरंत क्लिक कर जाए माइंड में कि हाँ ये तो वही नियम है। तो इस नियम को हमने क्या किया शॉर्ट में, हालांकि ये आपका नियम है जो आपको किताबों में मिल जाता है व्यंजन संधियों का, जो आपको अक्सर पढ़ाया गया है, तो हमने इसको क्या किया शॉर्ट में कर दिया। कैसे, हमने इस नियम को कहा भाई ये हमारा नियम है, एक का तीन नियम। कौन सा नियम है, एक का तीन नियम। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक का तीन नियम, ये बना लिया मैंने, क्या हो गया एक का तीन। अब करना क्या आपको, एक बार होता नहीं अभी आपने देखा होगा मार्केट में सब्जी लेने गए होंगे तो कैसे कुछ कोई सामान कोई व्यक्ति बेच रहा होगा व्यापारी, तो वो कहता ना एक का तीन एक का तीन एक का तीन, ना ऐसे बोलते हैं ना, एक का पांच एक का पांच एक का पांच ऐसे बोलते हैं। तो आपको उसी तरह एक का तीन को थोड़ा सा उसी फ्लो में बोलना है, एक का तीन, मेरे साथ साथ बोल के दिखाओ, एक का तीन एक का तीन, ओ भाई एक का तीन ना, तो एक का तीन आपके दिमाग में फिक्स रट जाएगा। अब एक का तीन का लॉजिक क्या है ये समझो, कह रहा है देखो मैंने उसी बात को जो वहां पे लिखा गया है बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों में, मैंने शॉर्ट में करके लिख दिया है यहाँ पे, जो आपके काम की चीज मिल जाएगी, बाकी चीजों को हमने हटा दिया। कह रहा एक का तीन का मतलब क्या होता है कि एक जो है वो तीसरे में बदल जाता है। कब बदलता है, रूल्स क्या है, किन परिस्थितियों में बदलेगा, ये समझते। पहला लेटर, फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर, जब बीच में लिखा हुआ प्लस, यानी पहला लेटर जब तीसरे या चौथे, थर्ड और फोर्थ, तीसरे या चौथे, मैंने शॉर्ट में लिखा, अब आपके सामने कॉपी पे ये लिखा हुआ है, जैसे ही आपको एक नजर में एक लाइन में ये रूल नजर आया तुरंत दिमाग चला जाएगा, उतना लंबा पढ़ना नहीं पड़ेगा चार लाइन उसके वर्ड्स को। तो फॉर्मूला बना दिया मैंने आपको एक तरह से, ये मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह, पहला लेटर जब फर्स्ट लेटर प्लस थर्ड और फोर्थ, तीसरे और चौथे के साथ, लिख दिया मैंने क ह ग घ और ग, ये हो गया पांच, इसी तरह पांच होंगे च छ जिसके बाद, फिर च ट के बाद, फिर उसके बाद त के बाद, फिर प के बाद ना, तो हमने एक लाइन लिखी। तो कह रहा है कि पहला लेटर, कौन सा पहला लेटर, अगर तीसरे और चौथे यानी इसके साथ, अगर क के साथ क्या मिल जाए, तीसरा यानी कि ये मिल जाए, या ग मिल जाए अथवा घ मिल जाए, अथवा य र ल व ह, य र ल व, अंतस्थ व्यंजन और ह को इंक्लूड कर लिया जाए, ये मिल जाए, या कोई स्वर मिल जाए किसके साथ, इस क के साथ, तो क्या हो जाएगा, क
क जो है बदल जाएगा अपने से तीसरे, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, ये याद कर लो, एक का तीन, ये रट जाएगा आपको बहुत जल्दी, बहुत इजी है ये, जिह्वा पे आपके कंठस्थ हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएगा। तो क को ग में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी एक का तीन हो जाता है, पहला तीसरे में बदल जाता है, क ग में बदल जाता है। फिर से समझते हैं, जब किसी वर्ड के ये पहला लेटर है, पहला लेटर क, इसके साथ जब हम संधियां करते हैं तो ऐसे प्लस के पहले इधर कुछ होता है और इधर कुछ होता है, तो हमेशा पता है कि संधियों में क्या होता है, ध्वनियों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। जो ये अंतिम ध्वनि होती है ये, और ये वाली अंतिम ध्वनि जब ये मिलकर कुछ परिवर्तन करते हैं और एक नए शब्द को, परिवर्तित शब्द को जन्म देते हैं, तो वही ध्वनियां, वही संधियां होती है। तो हम क्या करते हैं, यहां अगर हमारे पास क आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे तीसरा चौथा ग आ जाए, घ आ जाए, या यर ल व ह आ जाए, या स्वर आ जाए, तो हम क्या करते हैं, तो हम एक को तीन में, यानी क को ग में परिवर्तित कर देते हैं। इसी तरह क के बजाय अगर हो सकता है वहां पे च हो, तो च छ ज, यानी च ज में हो जाएगा। हो सकता है ट हो, तो ट ठ ड, तीसरा क्या है ड, ये ट जो है ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह नियम होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्रिक समझ लीजिएगा, कि व्यंजन संधियों में जो पहला, जो इस प्लस के पहले वाला शब्द होगा, इसका जो अंतिम वर्ण होगा, वहां हलंत लगा हुआ होता है। अक्सर आपको मिलेगा हलंत लगा हुआ, हलंत ही लगा हुआ मिलेगा। उसका रीजन है, रीजन क्या है, कि अगर हम इसमें हलंत नहीं लगाते तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ अ है, और ध्वनि जो संधियां हो रही हैं वो क के साथ न होकर अ के साथ हो जाती, क के साथ न होकर अ के साथ हो जाती, तो प्रॉब्लम हो जाती। जैसे एग्जाम्पल के लिए चलो लेते हैं, चलो यहाँ पे पहला शब्द हमारे सामने है दिक और अंबर, एक एक समझते हैं। दिक और अंबर यहाँ पे है, दिक यहाँ पे जो, अच्छा प्लस के पहले वाला शब्द अक्ष वर्ण देखो क्या लिखा हुआ है, क, और इधर क्या लिखा हुआ है अ। नियम क्या कहता है, देखो यहाँ क में हलंत लगा हुआ, अगर मैं हलंत नहीं लगाता तो जो संधियां होती वो क और अ के बीच में ना होकर अ और अ के बीच में होती, जिनका परिणाम क्या होता, जिनका परिणाम होता बड़ा आ, क्योंकि समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ संधि होती है, स्वर संधियों का एक पार्ट है दीर्घ संधि, और ये बड़ा आ बन जाता। फिर ये दिगंबर न बन के दिकाम्बर बन जाता, क्या बन जाता, दिकाम्बर बन जाता। तो प्रॉब्लम है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कर दिया हलंत, हलंत का मतलब इसके जो स्वर वाला पार्ट है उसको यहाँ से हमने निकाल दिया। अब हमारा क से अ मिलेगा, क से अ मिलेगा। और नियम क्या कहता है, कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण मतलब क, इसके साथ कोई तीसरा चौथा वर्ण मिल जाए, रटा दूंगा बस ध्यान से रखिएगा, तीसरा चौथा वर्ण मिल जाए, य र ल व ह मिल जाए, या स्वर मिल जाए, तो क्या मिला यहाँ पे, स्वर मिल गया, यानी कि जो फॉर्मूला बताया गया उस फॉर्मूले पे ये फिट बैठता है। अगर फिट बैठता है तो रिजल्ट क्या आएगा, क को तीसरे वर्ण में बदल दिया जाएगा, क ख ग, यानी कि ये बदल जाएगा क किसमें, क बदल जाएगा ग में। बात समझ में आ रही है, और जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे हम दिकम, दिक धन अंबर, यहाँ पे दिगंबर हो जाएगा, ग आ गया। ऐसे दिक और गज, क के साथ क्या मिल रहा है, यहाँ पे ग मिल रहा है, क के साथ ग मिल रहा है, और क के साथ तीसरा और चौथा वर्ण, तीसरा ग क्या है, क ख ग, ग तीसरा वर्ण है ना, तो क पहले वर्ण के साथ तीसरा वर्ण मिलेगा, तो पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा। यानी अब ये क जो है जिसमें हलंत लगा हुआ है, यानी कि अध क के रूप में जिसे हम जानते हैं, अब वो आधा ग के रूप में बदल जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे आधा ग लग गया, दिग्गज। ऐसे यहाँ पे देखो वाक धन ईश, क के साथ ई आ गया है, यानी पहले वर्ण के साथ स्वर आ गया है, और फिर से नियम वही लगेगा कि पहले वर्ण के साथ अगर, किसी वर्ग के पहले वर्ण के साथ अगर तीसरा या चौथा वर्ण मिल जाता है, या यर ल व ह मिल जाता है, या कोई स्वर मिल जाता है, तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन ना, तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी पहला वर्ण क, तो क ख ग, यानी कि ग में बदल जाएगा, वागीश। यहाँ देखो च, च को च के बाद स्वर आ गया, च वर्ग का पहला वर्ण है क्या, हाँ जी च वर्ग का पहला वर्ण, च छ ज, जो पहला वर्ण होता है च, पहले वर्ण को किससे किससे मिला सकते हैं, तीसरे या चौथे से, यहाँ तीसरा चौथा है नहीं है, यर ल व ह से यहाँ है नहीं है, किसी स्वर से, स्वर है हाँ जी, च के बाद स्वर आया, यानी कि वो फॉर्मूला फिट बैठ गया, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, च अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी कि च छ ज, यानी अब ये च बदल जाएगा ज में, और हमारा जो रिजल्ट होगा वो अचंत की जगह अजंत हो जाएगा। ऐसे अच आदि तो अजादी यहाँ पे, ऐसे षट आनन में षड आनन, क्या लिखा है, षट धन आनन, ट के बाद स्वर आया, यानी ट बदलेगा तीसरे में ट ठ ड, यानी कि षड आनन। षट यंत्र, षट यंत्र में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ट के बाद य आया, य र ल व ह,
यार अलावा ह आने के बाद भी ट को तीसरे वर्ण में बदल देते हैं, तो ट ठ ड यानी षड्यंत्र हो गया। ऐसे ही षड दर्शन भी हो जाता है। और कुछ और वर्ण देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तदुपरांत, तत् उपरांत, यहाँ पे एक तरफ आया त और एक तरफ आया उ। क्या त अपने वर्ग का पहला वर्ण है? त थ द ध, हाँ जी, त वर्ग का पहला वर्ण है। इसके बाद क्या क्या आना चाहिए नियम के आधार पे? हो सकता है तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए। तीसरा चौथा वर्ण का मतलब होता है कि त थ द ध, यानी द और ध आना चाहिए था, नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर क्या आना चाहिए था, य र ल व ह, इनमें से कोई आया है? नहीं आया है। और क्या आ सकता था, स्वर आ सकता है। हाँ जी, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन आपका स्वर के साथ बन रहा है, तो त के साथ स्वर आएगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा, त अपने तीसरे वर्ण में, एक का तीन, एक का तीन, फिर से याद रखो, एक का तीन, त थ द, यानी त बदलेगा अपने तीसरे में यानी द, तो क्या हो जाएगा, तत् उपरांत की जगह तदुपरांत हो जाएगा। यहाँ पे द बना और ये जब ऊ जाके मिलेगा तो द में छोटा ऊ की मात्रा लगा देगा और तदुपरांत हो जाएगा। ऐसे सत आशय, सद आशय हो जाएगा, उद्घाटन, उद्घाटन हो जाएगा। ऐसे जगत अम्बा, त को अ से, द जगदम्बा हो जाएगा। ऐसे अप धन द बराबर अब्द, यहाँ प फ ब, पा कहाँ गया, तीसरे में, ब में अब्द, अब्ज, अब्धि। सेम वही नियम है, क्या करना है? फिर से एक बार दोहराते हैं, एक का तीन, एक का तीन, जब पहले वर्ण के साथ तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या र ल व ह आ जाए या कोई स्वर आ जाए, तो वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी क जो है क ख ग हो जाएगा, च छ च जो है ज हो जाएगा, ट ठ ड ट जो है ड हो जाएगा, त थ द त जो है द हो जाएगा। क्लियर है? इस वीडियो को अगर आपने सुन लिया है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के दो तीन बार सुन लीजिएगा, गारंटी के साथ कहता हूं आपको रट जाएगा और फिर दोबारा कभी इस नियम को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही बहुत सारे नियम है व्यंजन स्वर और बाकी सारे चैप्टर्स के, मैं ऐसे छोटे छोटे नियमों और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाता रहूंगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या ये नियम आपको याद हो गया क्या। अगर याद हो गया तो ऐसे और नियम्स मैं लेकर आऊंगा, लेकिन तब जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर और नियम और रूल्स को ऐसे ही बता दीजिए कुछ ट्रिक के माध्यम से, जिससे हमें याद हो जाए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कमेंट करके जरूर बताइएगा।